विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर संकाय के विद्यार्थियों ने रावे के तहत विभिन्न स्थानों पर कृषक संगोष्ठियां की स्वच्छता अभियान चलाया और इसके साथ साथ कृषकों के साथ शानदार बातचीत की। उन्होंने खेती किसानी और खाद पानी के विषय में किसानों से जाना, उन्हें ये समझाया कि मृदा का परीक्षण कैसे किया जाता है और किस मृदा में कौन सी फसल उपयोगी होती है तथा ज्यादा पैदावार के लिए किस तरह की कृषि का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने सिंचन की प्रक्रियाओं के साथ शासन की योजनाओं की भी जानकारी किसानों को दी। इस मौके पर किसानों ने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने अल्टरनेट खेती की, किस तरह से उन्होंने ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसी के साथ साथ विषय विशेषज्ञों ने किसानों का मार्गदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर संकाय की ये संगोष्ठियां कृषकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। वास्तव में एकेएस विश्वविद्यालय ने ये पुनीत पहल करते हुए किसानों के बीच छात्र छात्राओं को भेजने का उद्देश्य ही यही नियत किया है कि छात्र छात्राओं के एकेडमिक नॉलेज का इस विंध्य क्षेत्र के लिए बेहतरीन लाभ मिल सके। इसी कड़ी में कई संगोष्ठियां की गई और रावे का कार्यक्रम लगातार जारी है। आइए जानते हैं छात्रों ने इस मौकों पर क्या क्या सीखा और किन किन चीजों को किसानों को रूबरू कराया। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जनों ने भी कार्यक्रमों में सहभागिता दर्ज कराई। संगोष्ठी कार्यक्रम का संपादन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर आर एस एस तोमर एवं डॉक्टर आर सी पांडे, मिस्टर अभिषेक सिंह द्वारा किसानों को कृषि के प्रति संबोधन दिया गया एवं ग्रामीणों को कृषि के प्रति नई तकनीक जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विवरण दिया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय। मिस्टर अभिषेक सिंह भी रहे, जिन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को नए तकनीक और हो रहे किसान कृषि में कमी, उपज में कमी के बारे में बताए, कैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझाया गया किसानों को। हमारे मतलब किसान संगोष्ठी करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने उत्पादन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती सीमित होती हुई जमीनों पर हम अधिक से अधिक उपज कैसे प्राप्त करेंगे कम से कम लागत। हमारे कैसे आर एस तोमर द्वारा एस एस तोमर सारी और आर सी पांडे अच्छी तरीके से किसानों को संबोधित किया। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।